सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है पाठ दस अपूर्व अनुभव पृष्ठ संख्या पिछहत्तर सभागार में शिविर लगने के दो दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता पिता को था ना ही यासुकी चांद के उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था तो, -तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुद्सू जाने वाली सड़क के पास था बड़ा सा पेड़ था उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई छह फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह पृष्ठ संख्या छिहत्तर तोतोचान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था यासुकी चांद को पोलियो था इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था अतः तोत्तोचांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते घर से निकलते समय तोत्तोचांद ने मां से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफू जा रही है चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने मां की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तोचाँद से नहीं रहा गया मैं यासुकी की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ उसने बताया जब तो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था यासुकी की उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था यासुकी की चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था पर तो को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे तोतो चांद उत्तेजित थी वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी यासुकी चांद भी हंसने लगा पृष्ठ संख्या सतहत्तर तो चान यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया तब उसने पुकारा ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया इस पर तो, -तो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकियाने लगी पर तो, -तो चांद थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया तोत्तोचांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी अब क्या करे वह यासुकी चाँद उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था वह उसके सामने गई उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तोचांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े संख्या अठहत्तर। ठहरो एक बात सूची है वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी देखो अब डरना मत उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा यह डगमगाएगी नहीं यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो, -तो चांद की ओर देखा उसे भी काफी पसीना आ रहा था उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था तो, तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया हुर्रे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी तोतो चांद तो, तो, तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही चांद की ओर तो तो ताकने लगा तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए पृष्ठ संख्या उन्यासी पर वह रोई नहीं उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तो, तो चांद उसका हाथ थामे रही तब बोली तुम लेट जाओ मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूं उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो, तो, तो द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते पर यासुकी चांद को तो, तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो, -तो चांद ने सम्मान से झुक कर कहा मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है पृष्ठ संख्या अस्सी यासुकी डाल के सहारे खड़ा था कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया तब उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे मेरी बहन अमेरिका में है उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है टेलीविजन यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है तो, तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था पहले पहल यासुकी चांद ने ही तो, -तो चांद को उसके बारे में बताया था पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था लेखक तेजसुको कुरियानागी अनुवाद याज्ञिक कुशवाहा पाठ के बारे में तो तोचान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट शाखा बच्चों के खेलने के कोने इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तो, तो चांद का यह अंश अपूर्व अनुभव पृष्ठ संख्या इक्यासी प्रश्न अभ्यास पाठ से प्रश्न एक यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो, तो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया लिखिए प्रश्न दो दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो, तो और यासुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे दोनों में क्या अंतर रहे लिखिए प्रश्न तीन पाठ को याद करके बताइए कब सूरज का ताप यासुकी चांद और तोतो चांद पर पड़ रहा था वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है प्रश्न चार यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश अंतिम मौका था इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा पाठ से आगे एक तो, -तो चांद ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था यासुकी चांद के गिर जाने की संभावना थी फिर भी उसके मन में यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं दो हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहे हैं लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे पृष्ठ संख्या बयासी अनुमान और कल्पना एक अपनी मां से झूठ बोलते समय तो, तो चांद की नजरें नीचे क्यों थीं? दो यासुकी चांद जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। भाषा की बात एक द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती हैं द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे त्रि का अर्थ है तीन इस प्रकार चार पांच छह सात आठ नौ और दस संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियां अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी आठ संस्कृत अष्ट अंग्रेजी एट दो पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं ठी 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 हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है आना प्रत्यय से बनने वाले चार सार्थक शब्द लिखिए अभी आप सुन रहे थे ये पाठ प्रस्तुति सी ई टी -E एनसीआरटी -E नई दिल्ली भारत